नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं अपने बन उपवन चैनल में और उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम बात करेंगे मैक्सिकन पिटूनिया के बारे में। मैक्सिकन पिटूनिया बरसात में खिलने वाला फूल है। दोस्तों, नेचर के तरफ से हमें हर सीजन में खूब सुंदर सुंदर फूल मिले हैं, उसी में से एक है मैक्सिकन पिटूनिया, जो एक परमानेंट प्लांट होता है। एक बार हम अपने गार्डन में ले आते हैं तो ये सालों साल बना रहता है। और इसके तीन चार कलर और आते हैं, लेकिन कॉमन कलर इसके पर्पल, वाइट और पिंक ही हैं, जो बड़े आसानी से नर्सरी में मिल जाते हैं। और ये देखिए, मैंने इसे ग्राउंड में लगाया है। तो ग्राउंड में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें देख रेख नहीं करना है, बस दो चार महीने में एक बार गोबर की खाद डाल दें या सूखे पत्तियों का, और नमी बना के रखें तो हमारे ग्राउंड में बहुत अच्छे से चलता रहता है। लेकिन यदि हम गमले में भी लगाएं तो भी ये बहुत इजली चलता रहता है, बहुत कम देख रेख करने वाला ये हमारा प्लांट है मैक्सिकन पिटूनिया का। और ये बड़ी वाली वेराइटी है, इसकी ड्राफ्टेड वेराइटी भी आती है जो मैंने अपने टेरेस में लगाया है। ये देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं, और रोज़ सुबह ये इतने ही भर भर के फूल खिल जाते हैं और दोपहर में ये इसके फूल गिर जाते हैं, लेकिन हर सुबह ऐसे ही इसमें फूल खिल जाते हैं। ये देखिए कितने सारे फूल आए हुए हैं। तो ये जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक इसमें फूल आते रहते हैं। ये देखिए कितने अच्छे फूल खिले हैं, और विंटर में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। तो यदि हम इसे गमले में लगाना चाहें तो गमले में भी बहुत आराम से ये लग जाता है। इसे लगाने के लिए हमें ये इसकी कटिंग भी लग जाती है और सीड से भी ग्रो हो जाता है, और बहुत बड़े गमले की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम 8 से 10 इंच के गमले में भी इसे लगा सकते हैं, ये देखिए। और जहाँ तक इसकी मिट्टी की बात है, तो एक हिस्सा अपने गार्डन की मिट्टी और एक हिस्सा बर्मी कंपोस्ट या पुराने गोबर की खाद, और एक हिस्सा इसमें रेत मिला के इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और गमला हमारा बिल्कुल वेल डेंड है तो बहुत ही अच्छा है, इस बात का हमें ख्याल रखना है। और हमें इसको ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहाँ इसे सारे दिन का धूप मिलता रहे, इसे धूप बहुत पसंद है। यदि आप सेडी एरिया में रख देंगे तो इसमें फूल नहीं आएंगे, तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। और इसे नमी भी बहुत पसंद है, यदि बारिश हो रही है तो ठीक है, नहीं तो इसमें नमी बना के रखिए तो इसमें भर भर के फूल आएंगे। और गमले में यदि लगाएं आप तो महीने में एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट और 8-10 दाने DAP के डाल दें तो ये बहुत अच्छे से चलता रहेगा, जब इसका ग्रोइंग पीरियड है तो। और इसमें कोई माइट का अटैक नहीं होता है, ये बहुत अच्छा हमारा प्लांट है। तो आप बहुत इजीली इसकी थोड़े से देख रेख में, और हमारे बरसात में ये हमारे गार्डन की रौनक को बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, ये देखिए। तो इसे आप ज़रूर लगाइए। और विंटर में जब ये डॉर्मेंसी में चला जाता है तो सिर्फ इसकी जड़ें रह जाती हैं। तो ऐसे में यदि आप बहुत सारे गमले में लगाए हैं तो सिर्फ एक गमला सेव करके रख दीजिए, और जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा ये फिर से ग्रो हो जाएगा, और उसमें से कटिंग लेके आप बाकी गमले तैयार कर सकते हैं। यदि हम हर साल इसकी कटिंग लगा के गमले में तैयार करें तो बहुत अच्छे फूल आएंगे। ये देखिए, मैंने एक बस छोटी सी कटिंग लगाया था, और देखिए कितने मल्टीप्लाई होके यहाँ बहुत सारे प्लांट हो गए हैं, और बहुत ही अच्छे से इसमें फूल आ रहे हैं। और जब इसमें फूल खिलते हैं तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ और तितलियाँ इसमें मंडराती ही रहती हैं, जिसे देख के बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है, इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। अगर बिना देख रेख का बहुत ही आप हार्डी प्लांट कोई खोज रहे हो तो मैक्सिकन पिटूनिया ज़रूर लगाइए, और इसके और कलर मिक्स करके लगाएंगे तो और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये बहुत खूबसूरत सा हमारा ये प्लांट है, और सीड से भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, और कटिंग से भी हो जाता है, और नर्सरी में भी मिल जाता है। तो आप जैसे चाहें इसे लगा सकते हैं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।